Hi guys, welcome back to Ritu's Kitchen again. तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने वाले हैं. क्यों? क्योंकि जब भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात आती है, ऐसा ही पंजाबी होने के नाते ऐसा होता है कि हमें परांठे ही सूझते हैं. पर आज हम परांठे नहीं बनाएंगे, आपको एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बहुत ही अच्छी रेसिपी बताएंगे और हेल्दी भी और जल्दी बनने वाली. आज हम बनाने वाले हैं रवा इडली विद अनियन चटनी. अनियन की चटनी और रवा इडली आप सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं, शाम को इवनिंग स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं. जब आपका मन करे तब बनाइए और खाइए. रवा इडली एंड अनियन चटनी. रवा इडली बनाने के लिए हमें चाहिए सेमोलिना, सूजी, कर्ड, ग्रेटेड कैरेट और ये चना दाल है, मूंग की धुली हुई दाल, फ्यू लीव्स ऑफ करी पत्ता. मैंने यहाँ पे जिंजर लिया है, चॉप सॉल्ट, क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स, इनसे हम रवा इडली बनाएंगे. और मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी कौन सी चीज हम कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं. और हम इसमें पानी भी यूज करेंगे मिक्सिंग के लिए बाद में. पर नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रवा इडली. पहले हम क्या करेंगे, हमको रवा 30 मिनट्स के लिए जो इडली का बैटर है वो बना के रेस्ट देना है. इसलिए हम पहले रवा और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सॉटे करेंगे. तो चलिए श्री गणेश करते हैं. इडली, रवा इडली के लिए हमें पहले अपने इंग्रेडिएंट्स को सॉटे करेंगे. इसके लिए हमें चाहिए टेबल स्पून ऑफ ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए, टीस्पून ऑफ चना दाल और ये मूंग की धुली हुई दाल, सेम इसको थोड़ा सॉटे करेंगे. पहले ऑयल हमारा हॉट हो चुका था, हमारी दाल थोड़ी सी सॉटे हो चुकी है. इसी में हम टीस्पून ऑफ जिंजर ऐड कर लेंगे. ये जिंजर इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगा जब आप इडली खाओगे. अच्छा, खाने के लिए बना रहे हो? दिखाने के लिए. टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, टीस्पून ऑफ ये इसी के साथ सॉटे हो जाएंगे. तो इसी के साथ ये हमारी करी लीव्स है जिसको मैं हाथ से ही कट कर रही हूँ, ऐसे ही रफली चॉप कर रही हूँ, हाथ से ही तोड़ के डाल दूंगी. आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं. इस तरह से मैंने रफली चॉप कर लिया इनको. एंड वन चिली जो हमने ऑलरेडी चॉप कर ली है, फाइन चॉप, वो भी ऐड कर दी इसी में. और ये ग्रेटेड कैरेट है जो कि क्वार्टर कप है और हमने इसमें डाल दिया. अब इसको भी सॉटे कर लेंगे. 1 or 2 मिनट में जब ये सॉटे हो जाएगा तब हम इसमें अपना सेमोलिना ऐड करेंगे. हम इसमें अपनी सूजी ऐड करेंगे जो मैंने 1 कप ली है और हम इसे थोड़ा लो फ्लेम पे ही सॉटे करेंगे. 4 to 5 मिनट्स. रवा हमारा सॉटे हो चुका है अच्छे से. अब हम इसे जल्दी से ठंडा करने के लिए एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे. ये देखिए, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे विद कर्ड और पानी के साथ. ये
रवा जो है ठंडा हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। तो अब हम इसे, हमने एक कप रवा लिया था, तो एक कप रवा में हम ऐड करेंगे हाफ कप कर्ड। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें इसे बहुत ज्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी नहीं देनी, इसलिए हम पहले हाफ कप पानी डालेंगे इसमें। हाफ कप हमने कर्ड ऐड कर लिया था और मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है इसको ताकि रवा अच्छे से मिक्स होके फ्लफी हो जाए। हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि जब हम इसे 30 मिनट की रेस्ट देंगे तो ये पानी को अब्सॉर्ब कर जाएगा। आई थिंक 1 टेबलस्पून मोर। अगर बाद में लगेगा कि ये ठीक हो रहा है हम दोबारा ऐड कर लेंगे, बट अब हम इसे 30 मिनट्स की रेस्ट के लिए रख देंगे। वैसे तो हम इडली के बैटर को रेस्ट दे देते हैं 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा, तो क्या होता है जो रवा है, सूजी है, वो फ्लफी हो जाती है, वो खुद ब खुद सॉफ्ट इडली बनेगी। पर अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे उसमें, या तो आप सिट्रिक एसिड डाल दीजिए या फिर इनो डाल दीजिए। अगर ये दोनों नहीं है तो बेकिंग सोडा डाल दीजिए। देखिए ये हमारा इडली का बैटर रेडी हो चुका है, हमने 30 मिनट्स रेस्ट के लिए, ये थोड़ा थिक हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में तो हमें रखना नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो बैटर हमारा ये देखिए रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एज पर टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी वाटर को स्टीम होने रख दिया है, हमारा वाटर बॉयल कर रहा है, और अब हम अपनी इडलीस को उसके स्टैंड में लगा देंगे, मतलब कि बैटर को डाल देंगे। जो हमारा बैटर है वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होने चाहिए। क्या करेंगे, थोड़ा ये इडली का जो प्लेट है जिसमें हमें इडली स्टीम करनी है उसमें थोड़ा ऑयल इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्रॉप ऑफ और ब्रश से हमने इसे कर लिया है। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से आपको जिस साइज में आपको इडली चाहिए आप उसी अकॉर्डिंग बैटर डालिएगा। हमने बैटर सेट कर दिया है देखिए, और एक कप रवा में आप एटलीस्ट 10 बड़ी बड़ी इडलीस तो बना ही सकते हैं, तो फैमिली के लिए इनफ हो जाती है। अब हम इडलीस को अपने स्टीमर में रख देंगे। आफ्टर 7 to 8 मिनट्स हमारी इडलीस रेडी हो चुकी है, ये देखिए, और मैं आपको पॉक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इडली रेडी है, और हम अब अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गैस से उतार लेंगे। इडली हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे। क्योंकि पहले मैं अपना नैपकिन ले लूं, कहीं हाथ ही ना जल जाए मेरा। वाओ, इडली और चटनी रेडी है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारा तो इवनिंग स्नैक्स रेडी हो चुका है, हम चाय के साथ खाएंगे आज। अगर आपके घर में गेस्ट भी आते हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इजीली इनको बना सकते हैं। और ऐसे अभी गर्म है, देखिए कितनी सॉफ्ट है और इजीली टूट रही है। परफेक्ट। आई होप यू लाइक द रेसिपी। If you like the video, please like, share, comment and subscribe. Thank you for watching.